में हम क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, सारा प्रोसेस हम आपको हिंदी में बताएंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे टाइप करेंगे क्रोम पे सरकारी, जैसे देखिए सरकारी लिखा है यहाँ, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम लिख के आ गया, तो यहीं पे हम दोस्तों क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे देखिए सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पर हम आ चुके हैं। थोड़ा हम नीचे लेकर चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो न्यू, वो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे दे देते हैं। देखिए जैसे RPF कांस्टेबल जो भर्तियाँ चल रही हैं, और UGC नीट, और यहाँ पे देखिए जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है ना। और हम आपको और थोड़ा नीचे दे बताते हैं इसमें हम आपको क्या क्या, आप इसमें क्या क्या देख सकते हैं। सर रिजल्ट देख सकते हैं, एडमिट कार्ड देख सकते हैं, लेटेस्ट जॉब देख सकते हैं। सर रिजल्ट देखना है, किसका रिजल्ट देखना है, ये चीज़ें आपको यहाँ से ऐसे ऐसे देखना होगा। जो रिज़ल्ट आपको देखना होगा वहाँ, यानी पूरे इंडिया का आ जाएगा। और यहाँ यूपी बोर्ड क्लास 10-12 रिज़ल्ट देखना है तो वो भी, यूपी बोर्ड रिज़ल्ट 2024 सर्वर सेकेंड, यानी बहुत चीज़ें इसमें आती हैं, यहाँ से आ जाए। और अगर आपको इसके नीचे नहीं आ रहा तो यहाँ व्यू मोड पे आ जाते हैं। ऐसे व्यू मोड पे आएंगे तो देखिए यहाँ पूरी डिटेल खुल जाएगी, आप यहाँ से देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब इसको हम थोड़ा बैक करते हैं और हम आपको बताते हैं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड अगर आपको निकालना है या देखना है तो यहीं से आप देख सकते हैं। अगर नहीं आता है तो यहाँ पे व्यू मोड पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसी तरह यहाँ पे और जितने सारी चीज़ें हैं वो चीज़ें आ जाएंगी। और तीसरी दोस्तों आपको हम दिखा देते हैं लेटेस्ट जॉब, जो नई वैकेंसियाँ निकलती है वहाँ पे नहीं दिखने को मिलती हैं जो, मतलब थोड़ा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। और नीचे आएंगे अगर नहीं आपको आपकी समझ में आ रहा तो व्यू मोड पे आएंगे और ये भी देख सकते हैं। और यहाँ आंसर की, यानी जिन जिन पेपरों की परीक्षा आप दे चुके हैं उनका आंसर की देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन अगर आपने किया है, वोटर आईडी और आधार कार्ड पैन कार्ड, यहाँ से आप अप्लाई करते हैं तो उनको भी देख लीजिएगा या बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, हम आपके लिए कुछ नया प्रोसेस लेके आएंगे। धन्यवाद।